सकते हैं 211। यहाँ का पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप सबको वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ मीट बन रहा है, मटन, और मैं आप सबको यहाँ जो है लोगों की भीड़ दिखा देता हूँ, कितना जो है भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी देवी देवताओं का फ़ोटो ले सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। जो है पूरा सिंदूर का दुकान लगा हुआ है, खिलौना का दुकान है, और यहाँ लोग आस्ते से अपना मनोकामना पूर्ण होने के लिए आते हैं और यह मनोकामना मांग कर जाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यह लोग आते हैं और अपना जो है पूजा पाठ करवा कर घर जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है बलि दिया जा रहा है, रक्षी माँ को बलि ही दिया जाता है। अब देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से खस्सी को काटा जाता है। इस वीडियो में सबको पूरी जानकारी मिलेगी। देखें किस तरह से इस पाठे को काट दिया गया। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, नीचे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ट्रेन आने पर जो है बहुत खतरा होता है, थोड़ा से भी अगर गलती हो गई तो जान नहीं बच सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अब पूरी जानकारी आपको हम देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको मैं पीछे के कैमरा से दिखा देता हूँ। अरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी तो हम झरना के पास पहुँचे भी नहीं हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ऊंचा है पहाड़, आप सबको दिखा देता हूँ इधर से, देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है। अभी हमको वहाँ तक जाना है, तो मैं जा ही रहा हूँ। यहाँ देखिए झरना थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। यहाँ लोग बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं, देख सकते हैं कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा झरना, काफी सुंदर दृश्य दिख रहा है भाई। बहुत ऊपर आ चुके हैं, आप सबको मैं एक बार नीचे का दृश्य भी दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ऊपर मैं आ गया हूँ। आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है दिखाए आपको। ये भाई मिथिलेश दीवाना, इसका यूट्यूब पर चैनल आर्मी लवर JBB करके आप सब सर्च मार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चढ़ने में थोड़ा थक गए हैं। हेलो दोस्त, कुछ देर बाद दोस्त वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इतना दूर से चढ़ने में
थक गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है, आधा दूर अभी आए हुए हैं। देख सकते हैं आराम करते हैं वहाँ पर, आपको दिखाएंगे। यहाँ जो मैं आ चुका हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ देखिए कैसे लोग चल रहे हैं, बहुत ऊंचा है। अब सबको थोड़ा लगीज जाकर दिखाते हैं। आप देख रहे हैं भाई कितना खाई है यहाँ पर, रास्ता भी खराब है ऊपर जाने के लिए। यहाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना ऊंचा है भाई, आराम से जाना भाई। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये बच्चा जो है मिथिलेश दीवाना के पीछे, यानी आर्मी लवर जेबीबी चैनल के ब्लॉगर के पीछे से ये बच्चा यह जा रहा है, और मैं इसके पीछे। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा झरना। ये बच्चे लोग कैसे चल रहे हैं, इनका हेलमेट का तो दाग देना पड़ेगा। देख सकते हैं हो रहा है आगे जाने में, क्योंकि यहाँ पे खाई जो है ना बहुत 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 भयानक दिख रहा है भाई। ये लोग देखकर उतर रहे हैं, जाने बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि झरना से तो पानी ही नहीं गिर रहा है। आप सबको खुद दिखाई दे रहा होगा कि देखिए कि बहुत थोड़ा सा पानी जो है गिर रहा है। अब आपको क्या ही दिखाएं, वहाँ गया है, गए हैं। आर्मी लवर जे बी बी चैनल के भाई हैं, नीचे चलेंगे, क्योंकि जो सोच कर आए थे वो तो हुआ नहीं। अब जाएंगे नीचे ताकि वहाँ का वीडियो हो गया। पटी झा ना ना पानी फुल लटप फुल लटप अभी मैं आ चुका हूँ पटरी पर, और आप सबको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ से जो है पूरा दिखाई पड़ता है अच्छे तरीका से, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि आप सब देखिए कि यहाँ भीड़ कितना है। और इस भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी रक्षी मैया से लोग मांगते हैं वो पूरा ज़रूर होता है, और इसलिए इतना भीड़ लगा हुआ है। और यह बात सही है कि आप सब जो भी मांगिएगा वो आपका मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ एक बार आके ज़रूर रक्षी माता के दर्शन करें, और अपना जो मांगना चाहते हैं मांगे, और वो आपका मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगा। तो मैं अब आगे चलकर दिखा देता हूँ कि कितना जो है भीड़ जो है ना, बहुत बहुत भीड़ होता है। आप इधर भी देख सकते हैं, उधर उतना तो भीड़ था ही, और इधर भी देखिए कि ये साइड भी इतना भीड़ है। क्यों, सबको पता चल ही गया होगा कि एक मेले बराबर इतना भीड़ होता है सैटरडे और ट्यूसडे को। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।